फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ ईद पे बनने वाले स्पेशल खीर की रेसिपी। इस खीर को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और मेहनत भी लगता है, पर मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से और फटाफट से बनाने का तरीका बताऊंगी। खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, आप इसे फ्रिज में रख के 2 से 3 दिन तक आराम से खा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी रेसिपी। यहाँ पर मैंने करीब 15 से 20 बादाम को 5 से 6 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। यहाँ पे मैंने 8 से 10 छुहारे को गर्म दूध में ओवरनाइट भिगो के छोड़ दिया था। ये अच्छे से फूल चुके हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले हम बादाम को छील लेते हैं, छुहारे को अभी एक साइड में रख लेते हैं। बादाम अगर अच्छे से भीगा हो तो बहुत ही आसानी से इसका छिलका उतर जाता है। ऐसे ही एक एक करके सारे बादाम को छील लेंगे। तो जब तक मैं बादाम छीलती हूँ, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें। सारे बादाम को मैंने छील लिए हैं, अब इसके हम टुकड़े कर लेंगे। आप अपने पसंद के अनुसार इसे इस तरीके से 2 टुकड़ों में रहने दें, या आप चाहो तो इसे थोड़ा सा 3-4 टुकड़ों में कट कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। सारे बादाम को मैंने इस तरीके से मोटे मोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, अभी इसे हम एक साइड में रख लेंगे। अब यहाँ पे मैंने भीगे हुए छुहारे ले लिए हैं, इसे दूध से अलग कर लेंगे इस तरीके से। आप इस दूध को चाय में भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे भी पी सकते हैं, या जब आप खीर बनाएंगे तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। भीगे हुए छुहारे हैं तो ये फटाफट से कट जाएंगे, इस तरीके से बीज हटा देंगे और इसे मोटा या पतला स्लाइस जैसा आपको पसंद हो वैसे कट कर लेंगे। सारे छुहारे को मैंने कट कर लिया है, इसे भी एक प्लेट में रख के एक साइड में रख लेंगे अभी। अब यहाँ पे मैंने मुट्ठी भर के किशमिश ले लिए हैं, थोड़े से सूखे नारियल ले लिए हैं। नारियल को भी अपने पसंद के अनुसार आप इस तरीके से स्लाइसों में कट कर सकते हैं, या छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। इस खीर में ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी अपने पसंद के अनुसार आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक मुट्ठी बासमती का जो टुकड़ा होता है ना, वो चावल लिया था मैंने। अच्छे से धोने के बाद इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था, ये अच्छे से भीग चुका है। मिक्सी जार ले लिया है, चावल को पानी से अलग करते हुए मिक्सी जार में ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर लेंगे ताकि पीसने में आसानी हो। चावल को हमें बिल्कुल पेस्ट की तरह बारीक नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा दरदरा पीसेंगे। मैं आपको पीसे हुए चावल का टेक्सचर दिखाती हूँ, कैसे आपको तैयार करना है। आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल बारीक बारीक कण रह गए हैं चावल के, ऐसे ही पीसना है हमें चावल। अभी इसे एक साइड में रख लेंगे, गैस ऑन करेंगे। एक पैन ले लिया है, पैन को अच्छे से गर्म होने देंगे। पैन गर्म हो चुका है, 1 बड़ा चम्मच घी ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने बिल्कुल थोड़ा सा जो बारीक वाली सेवैयाँ होती है ना वो ले लिया है, इसको इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। फ्लेम को बिल्कुल कम कर लेंगे, पैन में ऐड कर लेंगे और लगातार चलाते हुए अच्छा सा ब्राउन कलर आने तक इसको भून लेंगे। सेवई का कलर बिल्कुल अच्छे से चेंज हो चुका है, उतार के इसे एक साइड में रख लेंगे। यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर फुल क्रीम दूध लिया था, इसको मैंने पहले से ही उबाल के रखा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे इस पर मोटी सी मलाई पड़ रही है। फ्लेम को हाई कर लेंगे और दूध में एक उबाल आने देंगे, दूध को बीच बीच में चलाते रहेंगे। दूध में अच्छा सा उबाल आ चुका है, पीसा हुआ चावल रख लेंगे इसमें और बिल्कुल चलाते रहेंगे, क्योंकि चावल रखते ही ना तले से चिपकना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि पीसा हुआ होता है, काफ़ी बारीक होता है। बस इस खीर में चावल ऐड करने के बाद बस यही मेहनत है कि इसको हमें लगातार चलाते हुए पकाना होता है।
चावल डालने से दूध का टेम्परेचर कम हो गया है, तो एक उबाल आने देंगे। फिर से इसमें बिल्कुल कलछी को ऐसे तले तक ले जाके आपको चलाना है, नहीं तो खीर नीचे से जलना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छे से उबाल आ गया है तो फ्लेम को थोड़ा सा कम कर लेंगे। खीर को इस तरीके से लगातार चलाते हुए पकाना है। जब पीसा हुआ चावल थोड़ा सा पकने लगे तब आप इसको थोड़ा सा चलाना कम कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी देर पे आपको चलाना है। इस तरीके से ऊपर से जाली रख दें और आप किचन का काम भी कर सकते हैं और बीच बीच में खीर का भी ध्यान रखिएगा। अच्छे से इसको चलाते रहना है थोड़ी थोड़ी देर पे। चेक कर लेते हैं खीर, अब ये बिल्कुल भी पेंदी से नहीं चिपक रहा है। अभी इसे हमें कुछ देर और पकाना है इसी तरीके से। फिर चेक कर लेते हैं, आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छा गाढ़ापन आ चुका है खीर में। एक बार चावल जो हमने इसमें ऐड किया था चेक कर लेते हैं। इस तरीके से आप कलछी के ऊपर देख रहे होंगे थोड़े थोड़े से दाने, ऐसे चेक करेंगे बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। अब इसमें भुनी हुई सेवैया ऐड कर लेंगे। फ्लेम को थोड़ा सा हाई पे कर लेंगे। अब फिर से हमें लगातार चलाते हुए 8 से 10 मिनट पकाना है। अब खीर में मैं चीनी ऐड कर रही हूँ, यहाँ पे मैं 5 बड़े चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी की क्वांटिटी ज़्यादा भी रख सकते हैं। इसे लगातार चलाते हुए कुछ देर और पकाएंगे ताकि सेवैयाँ भी अच्छे से गल जाए। आप देख पा रहे होंगे खीर में काफ़ी अच्छा गाढ़ापन आ चुका है। मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 2 कुटी हुई इलायची, आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी यूज़ कर लेंगे, छुहारा ये कटा हुआ बादाम, कटा हुआ नारियल और किशमिश। मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को। बस 1 मिनट और पका लेंगे खीर को। खीर में अच्छा सा उबाल आ चुका है तो गैस को कर लेंगे ऑफ। मैं यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच रोज़ वाटर यूज़ कर रही हूँ, आप इसकी जगह पे रोज एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। एक बार सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। खीर को ढक देंगे और इसे ठंडा होने देते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी खीर कैसी बनी है। खीर चेक कर लेते हैं, खीर अभी पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है। आप देख पा रहे होंगे अभी से ये कितना गाढ़ा गाढ़ा हो गया है। तो आप अपने पसंद के अनुसार इसे पतला कर सकते हैं दूध ऐड करके, या गाढ़ा रखना हो तो ऐसे भी रख सकते हैं। आप इसे इस तरीके से छोटे से कांच की कटोरी में मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। देखने में भी सुंदर लगेगा और खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। ऊपर से थोड़े से पिस्ता से गार्निशिंग कर देंगे, देखने में ये और सुंदर लगेगा। आपको देख के ही लालच लग रहा होगा कि मैं इसे फटाफट से खा लूँ। मैंने बिल्कुल आसान तरीका बताया है इस खीर को बनाने का, बिल्कुल ये झटपट से बन जाएगा, मेहमानों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप भी इस ईद पे इस तरीके से खीर बनाइए, ट्राई कीजिए। रेसिपी पसंद आई हो तो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।